हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को है एक्सेस की है और आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे आइए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो टेबल बनी हुई है, पहली टेबल टेबल वन के नाम से मैंने बनाई है और इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, उनके मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट में दिए गए हैं और यहाँ पर टोटल भी किया है। चूंकि मैं 2019 यूज कर रहा हूँ तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिल जाता है और उसी के हेल्प से मैंने टेबल में ही कैलकुलेट कर लिया है। फिर यहाँ पे दूसरा टेबल प्रोडक्ट का बनाया है, प्रोडक्ट का टेबल भी देख सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ भी कैलकुलेटेड डेटा टाइप का ही यूज किया है। चलिए इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये क्वेरी बनानी है, क्वेरी बना लेते हैं। तो यहाँ से चलते हैं क्वेरी डिजाइन पर और फिलहाल हमें स्टूडेंट वाले टेबल जो की टेबल वन के नाम से है उसी के लिए क्वेरी डिजाइन करनी है। तो यहाँ से इस सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे जो फील्ड है उनको लेके आ जाएंगे और यहाँ पर टोटल में आएंगे। यहाँ पर हमें क्राइटेरिया सेट करनी है। सवाल यही है कि क्राइटेरिया कैसे सेट किया जाए। हम ये चाहते हैं कि टोटल जो हमारा हो वो 200 नंबर से कम वाले का टोटल हमें दिखाई पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर दीजिए लेस देन 200 कर दीजिए, तो जो भी लेस देन 200 वाले रिकॉर्ड होंगे केवल वही आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे लेस देन 200 केवल मैंने लिखा है और यहाँ से जब इसको रन करवाएंगे तो देखिए ये लेस देन 200 वाले नंबर है, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्राइटेरिया में थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो क्राइटेरिया में डिजाइन व्यू में जाकर के थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो यहाँ से क्या करता हूँ, ये लेस देन 200 जो दिया गया है यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज और करता हूँ, लाइक यहाँ पे कर देता हूँ लेस देन 300। तो 300 जैसे ही करूंगा तो आप देखेंगे कि अब थोड़ा सा अमाउंट ये बढ़ जाएगा। तो ये देखिए ये 300 से कम वाले आने लगे, ठीक है। पहले 200 से कम वाले आ रहे थे, अब 300 से भी कम वाले आने लगे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमने किया है स्टूडेंट वाले टेबल के लिए, यानी टेबल वन के लिए। अगर आप प्रोडक्ट वाले टेबल के लिए करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग से क्वेरी बनाते हैं, क्रिएट पे चलते हैं, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और जैसे ही जाएंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ से हमें प्रोडक्ट वाली टेबल लेनी है, तो ये प्रोडक्ट वाली टेबल ले लेते हैं और इसमें हमें प्रोडक्ट का नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, यूनिट चाहिए और टोटल चाहिए, बस इतना ही चाहिए, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि केवल वही प्रोडक्ट हमें नजर आए जिसकी प्राइस जो है 25,000 से लेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन 25,000 कर देते हैं, बस इतना ही लिखना है आपको। यहाँ पे लेस देन 25,000 प्राइस में आकर के और यहाँ क्राइटेरिया में आकर के लेस देन 25,000 लिख दीजिए और आपका काम हो जाएगा। यहाँ से रन करवा दीजिए तो देखेंगे कि लेस देन 25,000 वाले भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। इसके पहले क्या था टेबल में, देखिए ग्रेटर देन 25,000 भी थे प्रोडक्ट, लेकिन लेस देन 25,000 आफ्टर क्रिएटिंग क्वेरी हमें दिखाई पड़ रहा है, देख सकते हैं ये। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, आई होप की बात समझ में आई होगी कि ये कैसे सेट करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ग्रेटर वाले तो ग्रेटर वाले भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक और दिखा देता हूँ, क्रिएट करके क्वेरी डिजाइन पे आते हैं, इस बार टेबल वन को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टेबल बना गया, अब ये सारे फील्ड्स हमें चाहिए तो इन सारे फील्ड्स को यहाँ पे ले लीजिए और लेने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली टोटल जिसमें भी आपको पता करना है, लाइक मैथ्स में पता करना है, किस में पता करना है, लाइक मैथ्स में पता करना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेस देन 50, तो जो भी लेस देन 50 मार्क्स होंगे वो आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए लेस देन 50, ठीक है। किस में हमने पता किया था, यहाँ पे क्वेरी 3 में जाकर के हमने किस में किया था, देखिए ये मैथ्स में किया है। तो मैथ्स को एक बार चेक कीजिए यहाँ से, तो मैथ्स वाला ये है, तो लेस देन 50 आया है कि नहीं आया है, देखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि और भी पता करें तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं लेस देन 50, कंप्यूटर में भी लेस देन 50 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर और मैथ्स दोनों में ही लेस देन 50 आएगा, देख सकते हैं कि नहीं। अगर चाहते हैं कि साइंस में भी यही कर दिया जाए लेस देन 50, देखिए अभी 55 दिख रहा है साइंस में, दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जाकर के और साइंस में भी लेस देन 50 कर दीजिए, लेस देन 50, ओके। तो यहाँ पे लेस देन 50 किया और यहाँ से रन करवा दिया, रन करवा दिया। तो यहाँ पे देखिए साइंस में भी आपको लेस देन 50 दिखाई देने लगेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करें और उम्मीद करता हूँ इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।